दिल्ली के पटेल नगर इलाके में हिंदू लड़के की हत्या के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। गुस्साए लोगों ने इलाके में जमकर हंगामा किया है। प्रदर्शन को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। दो दिन पहले हिंदू लड़के पर मामूली कहासुनी के बाद कुछ लोगों ने हमला किया था। इस हमले में वो बुरी तरह जख्मी हो गया। आज इलाज के दौरान लड़के की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस का कहना है कि मामले में कोई भी सांप्रदायिक एंगल नहीं है। ग्रेटर नोएडा में कारोबारी प्रवीण शर्मा की आबुधाबी से वापसी हो गई है। एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रवीण शर्मा को 11 अक्टूबर को अपनी पत्नी के साथ स्विट्जरलैंड वो घूमने के लिए निकले थे, लेकिन आबुधाबी पुलिस ने उन्हें शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था। बताया गया कि उनका चेहरा एक वांटेड से मिलता है। आबुधाबी पुलिस ने उनकी पत्नी को भारत भेज दिया, जबकि प्रवीण को वहीं रोक लिया गया। प्रवीण के घर वालों ने विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई, तब जाकर प्रवीण को आबुधाबी पुलिस ने छोड़ा। एमपी के इंदौर में टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामला तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कई साल से इंदौर में रह रही टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर अपने इंदौर के घर पर उन्होंने फांसी लगा ली। ठक्कर ने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से करियर की शुरुआत की थी। इस सीरियल में संजना का किरदार निभाया था, जिसमें वो बहुत फेमस हुई थी। अभी तक की जांच में प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। कर्नाटक के हासन जिले में एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। एक टेम्पो पर सभी श्रद्धालु हसनंबा मंदिर में दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में एक बस और दूध के टैंकर में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के दौरान दोनों वाहनों के बीच ये टेम्पो आ गया। मारे गए सभी लोग एक ही टेम्पो में सवार थे, जो बस और दूध के टैंकर के बीच कुछ ले गए। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोगों ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एटा में बन रहे मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का जायजा लिया। सीएम योगी ने हॉस्पिटल के हर फ्लोर पर जाकर निरीक्षण किया, अधिकारियों से बातचीत की। एटा में ही सीएम योगी ने एक बैठक भी की, जिसमें अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस बैठक में सीएम योगी ने जिले में चल रहे विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की जानकारी ली। यूपी पीईटी के एग्जाम का आज दूसरा दिन है। कल की तरह आज भी छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अलीगढ़ में एक एग्जाम सेंटर पर परीक्षार्थियों को एंट्री नहीं मिली, जिससे वो काफी नाराज हो गए। चूंकि ट्रांसपोर्टेशन की सही व्यवस्था नहीं होने से एग्जाम सेंटर पर छात्र लेट पहुंचे थे। परीक्षार्थियों ने सेंटर पर मौजूद अधिकारियों से काफी रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी ने परीक्षार्थियों की बात नहीं सुनी। शनिवार को जम्मू कश्मीर के शोपियां में पूरन भट्ट नाम के कश्मीरी पंडित की हत्या को लेकर सूबे के लोगों में काफी गुस्सा है। आज जम्मू में डोगरा फ्रंट के लोग सड़क पर उतरकर नाराजगी जता रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से आतंकियों की प्रॉपर्टी जब्त करने की मांग की है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में योगी मॉडल को लागू करने की जरूरत है। जैसे यूपी में गुंडे बदमाशों की प्रॉपर्टी जब्त होती है, बुलडोजर चलाया जाता है, वो काम यहां भी होना चाहिए। यूपी के सिद्धार्थनगर में बाढ़ के चलते 50 से अधिक गांव का संपर्क शहर से कट गया है। 40,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। गांव के लोग पिछले एक हफ्ते से पानी में रहने को मजबूर हैं। बूढ़ी राप्ती नदी में 3 जगह बांध टूटा है, जिसके चलते लोग बेहाल हैं। पूरी की पूरी फसल बाढ़ के पानी में बह गई है। प्रयागराज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक आज से शुरू हो गई। इस बैठक में आरएसएस चीफ मोहन भागवत, जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले समेत 45 प्रांतों के प्रतिनिधि और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 19 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें जनसंख्या असंतुलन, महिलाओं की भागीदारी, मातृभाषा में शिक्षा, समाज के सभी वर्गों से संवाद जैसे तमाम मुद्दों की चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ के ओरछा और अबूझमाड़ में जिला प्रशासन की तरफ से वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। वाईफाई की सुविधा मिलने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने बताया कि वहां के जनप्रतिनिधियों और गांव वालों की तरफ से लगातार इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह पहल की है। युवाओं ने कहा कि इंटरनेट की सुविधा होने से देश दुनिया में होने वाली घटनाओं की जानकारी मिलेगी और जुड़ने का मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश में अब हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल में एमबीबीएस में पढ़ाई जाने वाली 3 किताबों का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि हिंदी की पढ़ाई गरीब बच्चों की जिंदगी में एक नया प्रकाश लेकर आई है। इन किताबों के विमोचन के साथ ही मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई होगी। जामनगर के वसई में आज लोग अपने स्टार शैंप के स्वागत में जमकर नाचे, खुशियां लुटाए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं वसई के लोग पारंपरिक तरीके से डांस कर रहे हैं। ये डांस लिटिल एक्टर भाविन रबारी के स्वागत में किया जा रहा है। दरअसल भाविन की फिल्म छेलो शो ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट हुई है। ये फिल्म गुजराती में है। इस फिल्म में एक छोटे बच्चे की फिल्म के प्रति दीवानगी को दर्शाया गया है। इन दिनों देश में हर तरफ त्योहारों की धूम है। आज चेन्नई में एक ज्वेलरी शॉप की तरफ से दिवाली मिलन का आयोजन किया गया। इस समारोह में दुकान के मालिक ने दिवाली गिफ्ट में अपने 10 कर्मचारियों को कार और 20 कर्मचारियों को बाइक गिफ्ट की। इस कार्यक्रम में कर्मचारियों के परिवार वालों को भी बुलाया गया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।